नमस्कार, स्वागत है आपका द टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में दो उपचुनाव पर मतदान हो गया, अब काउंटिंग हो रही है। आज बता दें आपको कि जहां की राजद तारापुर से लगातार आगे चल रही है, वहीं कुशेश्वर स्थान से जेडीयू लीड ले रही है 7000 का। आपको बता दें कि 15वां राउंड का गिनती कुशेश्वर स्थान में चल रहा है। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए राजद के और लालू के जो चहेते हैं, सबसे छोटे लालू कहे जाते हैं और नाम है इनका कृष्णा जी, हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा जी, ये बताइए लालू स्टाइल में कि दोनों सीट आप जीत रहे हैं कि नहीं? आपको कोई शक है? नीतीश कुमार जी का खटिया खड़ा हो रहा है, हम लोग लगातार लीड कर रहे हैं जी। तो विपक्ष पार्टी होके सत्ता पक्ष जो सरकार लगातार 15 वर्षों से ज़्यादा के अंतर से चला रहे हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए। कहाँ विकास है? विकास के नाम पर गाल बजाता हुआ बिहार के डुप्लीकेट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि भाई आप पीछे क्यों चल रहे हो। हम लोग के लिए तो गर्व की बात है कि हम लोग एक जगह लीडिंग बनाए हुए हैं, लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो इनको विकास विकास जो कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, डुप्लीकेट मुख्यमंत्री, तो इनको शर्म आना चाहिए और जदयू भाजपा के लोग को भी कि एगो सीट पर पीछे चल रहा है। हम लोग तो सुबह में भी आगे चल रहे थे, तो अभी दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। धैर्य रखिए, 4-5 बजने दीजिए, उसके बाद पूरा पता चल जाएगा। कुशेश्वर स्थान में शुरू की अगर बात करें तो राजद आ गई थी, बैलेट पेपर जो मतदान काउंटिंग हो रहा था उसमें राजद आ गई थी, फिर धीरे धीरे कुशेश्वर स्थान में पिछड़ती जा रही है। कुछ नहीं, अभी बहुत सारा ऐसा पंचायत है जहाँ पर रोड नहीं है, गली नली नहीं है, बह गया, तो वो लोग का अभी वोट खुलना बाकी है। इंतजार कीजिए, इंतजार करने में क्या जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पोल खुलने का काम होगा। तेजस्वी यादव तो लगातार कुशेश्वर स्थान में बने हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी का आशंका है क्या? चोर नीतीश कुमार चोर, मोदी नरेंद्र मोदी चोर। पिछले चुनाव में ये लोग चोरी करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का काम किए, तो चोर बोले जोर से तो ये लोग तो गाल बजाता ही है इसका पार्टी के लोग। तो हम लोग घबराते नहीं, इसलिए हम लोग के नेता आदरणीय युवा सम्राट तेजस्वी यादव जी वहाँ गए हैं कि लोग गड़बड़ नहीं करे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं जाने दिया है। अब अंदर क्या ये लोग गोलमाल करेगा कि गोलमाल रिटर्न फिर करेगा, तो ये लोग का आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक तो लीड में हैं। तारापुर में लगातार शुरू से ही लीड में चल रहे हैं, क्या उम्मीद है दोनों सीट आपके कब्जे में आएगी या फिर एक एक 50-50 आएगा? जो आ जाए सब फायदा है, हम लोग को घाटा नहीं है। बिहार की जनता हम लोग को आशीर्वाद दिया तब ना लीडिंग में है। नीतीश जी को पीछे क्यों कर दिया? बैलेट किसका है? एजुकेटेड लोगों का बैलेट पेपर पर वोट है। सारे शिक्षक को ही मार खिलवाते हैं, चपरासी को मार खिलवाते हैं, होमगार्ड वाला को पानी पटवा देते हैं, तो बैलेटवा में नीतीश जी पीछे हो गए। इनका कर्मचारी ही वोट नहीं किया, तो सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। कृष्णा जी थे जो छोटे लालू के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने तमाम विषयों को लेकर के बात रखा और कहा है कि इस बार हम दोनों सीट जीत रहे हैं, और चाहे एक भी सीट जीते तो हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि लगातार ये हमारी जो सीट है नहीं रही है, और जेडीयू लगातार ये कहती रही है कि ये परंपरागत सीट जदयू की है, और वहीं राजद ने भी दावा किया है कि हम कभी उपचुनाव नहीं हारते हैं, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।